आपको पता नहीं है कि इस एरिया से आगे आप आना अलाउड नहीं है आपको। मिस जोया फारूकी, आप कुछ भी कर लीजिए, आज कुछ भी कर लीजिए, आज मैं आपको यूएसए भेज कर ही रहूंगा, समझिए आप। और सुनिए, आपने मुझे कितने झूठ बोले, कितने ड्रामे किए, मैंने हर बार आपको पकड़ा, जानते क्यों? क्योंकि मैं एक सच्चा देशभक्त हूं, सुन रहे आप लोग, मेरे सामने आपका कोई झूठ नहीं चलेगा। इस बार कौन सा नया झूठ बोलने आए हैं आप? जा चुका है। कहां? इन्होंने श्री, इन्होंने भगा दिया आयान को, इन्होंने भगाया आयान को। मैं शुरू से देख रही थी, सगाई वाले दिन भी आखिरी वक्त तक ये आयान से बातें कर रही थी, उसे आखिरी वक्त तक मनाने की कोशिश कर रही थी, उसे सगाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। मैंने खुद देखा है, क्योंकि ये तो शुरू से आयान और हुमैरा के रिश्ते के खिलाफ थी। ये चाहती ही नहीं थी कि ये रिश्ता हो, और मुझे तो पूरा यकीन है कि उस लड़की जोया को भी यही हमारे घर में लेकर आई है। इन्होंने ही बुलाया उस लड़की को हमारे घर में, वरना कोई अनजान लड़की इस तरह से घर में घूम फिर कैसे सकती है, वो भी हमारी नाक के नीचे। रात को भी काला जादू करने में यही मदद कर रहे, इनकी वजह से मेरी बच्ची का आज ये हाल है। क्या हाल है? आप यहाँ पे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, प्लीज चुप रहिए। शिरीन, इनसे कहे कि खामोश रहे, आईसीयू है घर नहीं। क्यों खामोश रहूं मैं? इनकी वजह से मेरी बच्ची का आज ये हाल है और मैं खामोश रहूं? आखिर आज आपने अपना कमीना बन दिखाई दिया, बड़ी भी औकात दिखा दी आपने, क्योंकि किसी ऊंचे खानदान की औरत तो इस तरह की हरकत करने नहीं सकती। जाहिर सी बात है, किसी घटिया खानदान की है, किस
का खून बह रहा है आपकी रगों में। आपका मुझ पर बस नहीं चला, आपने मेरी बेटी के साथ इस तरह की हरकत की। हमारे टुकड़ों में पड़ने वाली आज आपने इस तरह की। खुलेआम हमारी और हमारे खानदान की बदनामी करने का हक किसने दिया तुम्हें? रजिया, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। ऐसे बुरे वक्त में हम सबको मिलकर मेरे अकेले दुआ करनी चाहिए, और एक तुम हो कि इस साजिशों से बाज ही नहीं आती। आज जो हमेरा की हालत है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो आग से खेलते हैं ना, एक दिन वही आग उनका घर जला देती है, और तुम्हारे साथ यही हुआ है। छोड़ो, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। इस वक्त तो हम सबको मिलकर मेरा के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। आयान भी वहीं गया है, वो मजार शरीफ के रास्ते में मेरा की जिंदगी के लिए दुआएं मांगने गया, और कहीं नहीं।
वो हुमेरा को इस हालत में देख नहीं सकता था। क्या करता वो? बिल्कुल अकेला हो गया। एक माँ है जो इस औरत की जाल में फंसी हुई है, एक भाई है जिसे तुम सब लोगों ने उसे अलग कर दिया है। क्या करता वो? इसलिए लबत दुआएं लेकर झोली फैलाकर पत्थर का चला गया। क्रिटिकल वारी जावा, कितना रोमांटिक जोड़ा है और कितने रोमांटिक तरीके से अपने प्यार का इजहार किया है। तुम्हारी तरह नहीं, आज तक एक फूल भी नहीं दिया। ओए प्रीतो, मैं तेरे साथ हूँ, ये क्या कम है? तुसे छोड़ दो जी। आज से ये मेरी मंगेतर है। इन्हें रोकने का मुझे पूरा हक है। देखिए, हम सारी कोशिशें कर चुके हैं, हमने शरीर से जहर तो निकाल दिया है, फिर भी वो होश में नहीं आ रही। ऐसे में मरीज का होश में ना आना जानलेवा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता जी, मैं अपने बच्चे को देख। जी, इसके हाथ तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। कंबल मंगवाइए जी। हमारा ये लोग इसका ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं यहाँ पर। इनको इनको क्या बताओ, मेरा बच्चा कितने नाजुक से पला हुआ, ये इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। हमारा आँख खोल, तू जल्दी से उठ जा, उठ के घर चल, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। उठ ना हुमेरा, 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 हुमेरा बच्चा उठ। सोया, तुम वापस आ गए? हाय जान, अब सोया को वापस ले आए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और आपको फिर जाना है? नहीं, मिस्टर धुरेंद्र भटावडेकर इनके वीजा के एक्सटेंशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं।
जोया कहीं नहीं जाएगी। वाओ पठाओ, एक मिनट जोया, तुम्हारी सगाई हो गई? तुम्हारी सगाई हो गई जोया? ओह अल्लाह, ओह माय गॉड, वाओ अम्मी। एक मिनट पहले ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? मुझे क्यों नहीं बताया? आई वॉन्टेड टू बी देयर। मी टू। कांग्रेचुलेशंस भाईजान, कांग्रेचुलेशंस। टमाटर, अम्मी, आप तो क्या बातें कर रहे हैं? प्लीज काम डाउन। एनीवे, जोया, आप बताओ कब हुआ, कैसे हुआ? गिव मी डिटेल्स। या यू एंड आई वांट टू नो। एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि इस बार मैं डेफिनेटली यूएस चली जाऊंगी, बट अचानक मिस्टर खान आ गए और उन्होंने मुझे रोक लिया। और वो मिस्टर भटाओ भी कर। हाँ, उन्होंने, he was also there, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, मिस्टर खान ने रिंग निकाली और सबके सामने मुझे पहना दी। वाओ। अम्मी, ये बस एक ड्रामा था। आपने कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, and just because मैंने इन्हें अंगूठी पहना दी, इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच हमारी सगाई हो गई। So please, calm down, both of you. लेकिन असद, तुमने अंगूठी पहनाई है सबके सामने, तो फिर इसका मतलब सगाई तो हो गई? अम्मी, वो actually मिस फारूकी, आप बताइए ना अम्मी को कि ये सब एक ड्रामा है। जी पुप्पी, वो सब एक ड्रामा ही तो था। एक्चुअली मुझे रोकने के लिए मिस्टर खान को उस वक्त जो ठीक लगा उन्होंने किया, बिना कुछ सोचे समझे। एग्जैक्टली, मैंने इस फारूकी को अंगूठी पहना दिया, उनका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, बस खत्म। एक्सक्यूज मी।